देश में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण राजनीति के केंद्र में आ गया है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है या फिर जहां आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं, वहां हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, धार्मिक जुलूसों के जरिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है। वहीं जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां अवैध निर्माण तोड़ने के नाम पर उसको गिराने को लेकर मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर के इस्तेमाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान पर 2 हफ्ते की रोक लगाई। इस बीच एमसीडी अवैध संपत्तियों की पहचान में जुट गई। समझा जा रहा है कि सीएम एनआरसी के खिलाफ आंदोलन का केंद्र रहे शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलाने की तैयारियां हो रही हैं। तो गुजरात में बुलडोजर चलाने का काम आज से शुरू हो गया। ऐसे में देश के 100 से ज्यादा नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उम्मीद जताई है कि वे नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे। इस पत्र में यह भी कहा गया कि खुले पत्र में हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्मान देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं बल्कि संविधान भी है। लोकतंत्र में हमारा आज का मुद्दा यही है कि क्या ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस खबर पर। सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम एकता और संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गया था, जिससे बीजेपी के इन कानूनों के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश को तगड़ा झटका लगा था। आंदोलनकारियों ने यहां एक सभी धर्म संस्कृतियों के प्रतीकों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। शाहीन बाग की बिल्किस दादी को दुनिया की ताकतवर महिलाओं में टाइम मैगजीन ने शामिल भी कर लिया गया था। मैं जामिया विश्वविद्यालय के छात्राओं की एकजुटता की तस्वीरें मीडिया में आने के बाद ध्रुवीकरण का उग्र और हिंसक तरीका अपनाने का आरोप लगे। हिंदू संगठन के लोगों ने छात्रों पर हमले किए और गोलियां भी चलाई। अब ध्रुवीकरण नए स्तर पर पहुंच गया है। गोलियों की जगह बुलडोजरों ने ले ली है। अवैध अतिक्रमण के नाम पर हजारों घर तोड़ने की योजना तैयार की जा चुकी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि आने वाले दिनों में जगह खाली करा ली जाएगी। काफी जगह चिन्हित की गई है, काफी जगह से शिकायतें जो मिल रही थी वो कहीं में सच में शिकायतें थी। अतिक्रमण पूरा यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जोरों पर है, उसको हम हटाने का काम करेंगे, शीघ्र उस पर एक्शन लेने की कार्रवाई करेंगे। जाहिर है यहाँ मुसलमानों की बस्तियां हैं जो बुलडोजर का निशाना बनेंगी। कहने को तो आधी दिल्ली ही अवैध अतिक्रमण से बसी और बनी है, लेकिन आरोप यह है कि बीजेपी की सत्ता वाली एमसीडी के निशाने पर मुसलमान है। जहांगीरपुरी जीती जागती मिसाल भी है, जहां परमिशन लिए बगैर हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ध्रुवीकरण के लिए बुलडोजर उतार दिए गए थे और राजनेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ जी भर के भड़काऊ बयानबाजी की थी। यहां तक कि अदालत को भी बख्शा नहीं गया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आप सोचिए, रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल। 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आता है। आप सोचिए कितने पावरफुल है इस प्रकार के ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अंसार जैसे लोग, और इसीलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ऊपर गोली चला रहे। आम आदमी पार्टी ने इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का मसला बताकर नया मोड़ दे दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी से चला बुलडोजर अब देश के कई हिस्सों में सियासत करने लगा। मध्य प्रदेश में बुलडोजर ने तो रात को हत्या के आरोपियों की पहचान होते ही सुबह 7 बजे उनकी संपत्तियां गिरा दी। बुलडोजर मुसलमानों के लिए धमकी का प्रतीक बन गया। डेमोक्रेसी बुलडोक्रेसी में बदल गई। राम का नाम लेकर सत्ता में आई बीजेपी अब ध्रुवीकरण के लिए हनुमान जी का इस्तेमाल कर रही है। मंदिरों को छोड़ मस्जिदों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। 3 वक्त की संध्या को भुलाकर 5 वक्त का चालीसा शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी के ये हनुमान भक्त चालीसा ढंग से पढ़ने से भी लाचार हैं। पवित्रता के साथ पाठ किए जाने वाले चालीसा को हिंसा की हुंकार में बदल दिया गया है। हिंदू धर्म का राजनीतिकरण इस कदर कर दिया गया है कि उनके करुणामय व्यक्तित्व की जगह तस्वीरों में उनकी पुतलियां हिंसक बनाकर गाड़ियों में लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो अब उदार हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई में हनुमान जी को उग्र हिंदुत्व का प्रतीक बना दिया गया है।
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा के पाठ की जिद ने इस ध्रुवीकरण की ज्वाला में आहुति डाल दी है। इसे लेकर बीजेपी शिवसेना आमने सामने है। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत व्यक्त किया है। वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी ध्रुवीकरण की सियासत को लेकर अलग ही सियासी खेल में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने ट्विटर स्पेस में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर बीजेपी शिवसेना पर निशाना साधा है। इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने हनुमान जयंती पर एक पूरे पेज का विज्ञापन अखबारों में जारी किया था। कुल मिलाकर धर्म मजहब की बिना पर समाज के ध्रुवीकरण से वो बैंक बनाने की सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी कट्टर हिंदुत्व जगाकर स्थायी वोट बैंक बनाने की फिराक में है तो शिवसेना पर हिंदुत्व को छोड़ने का आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी उदार हिंदू वोटरों को धर्म के नाम पर अपने साथ जोड़ने का खेल खेल रही है। हालात ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी इस खेल में सबसे आगे है। वहीं सबको साथ लेकर चलने वाले राजनीतिक दल हाशिए पर पहुंच गए हैं। जाहिर है कि बंटवारे की सियासत की गोरों की दी विरासत को सियासतदानों ने सिर्फ सजो कर रखा है बल्कि देश को एक और बंटवारे के मुकाम तक पहुँचाने पर आमदा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN न्यूज। ध्रुवीकरण की राजनीति चुनाव में देखने को मिलती है और आज से नहीं लंबे समय से चल रही है। जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और भाषा के आधार पर इस तरह की राजनीति को लेकर वोट बैंक पर निशाना साधा जाता है और हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करता रहता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, कुंतल कृष्णा, नेता कांग्रेस, शीबा असलम फैमी, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, और प्रोफेसर रविकांत, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं APN न्यूज में। सर, सबसे पहले रमन जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि ध्रुवीकरण की राजनीति को बीजेपी ने पेटेंट करा के रखा है। अच्छा खासा होमवर्क है बीजेपी का और अगर वो इस राजनीति को छोड़ दे तो फिर उसका वोट बैंक क्या होगा पता नहीं। मानते हैं आप? माफ करिएगा, मैं पूरा सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि शुरू में जो ये आपका पैकेज चला जी, मुझको ऐसा भावना आ रही थी कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं जी, ये उनकी लिखी कोई, वो भी बैरिस्टर हैं, वो भी लिखते पढ़ते अच्छा हैं जी, तो शायद उन्होंने कोई स्क्रिप्ट लिखी होगी जिसको कोई महिला पढ़ रही हो। अच्छा, बैरिस्टर अगर कोई स्क्रिप्ट लिख दे तो गुनाह हो जाता है? नहीं नहीं, कोई अच्छा मुस्लिम मुस्लिम हो तो गुनाह होता है? नहीं नहीं, स्क्रिप्ट की बात है, कई बार इंसान होता है दबाव में, स्क्रिप्ट की बात है, हो सकता है पढ़ दी, लेकिन ऐसा लगा मुझे, प्रतीत हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा आपने पढ़ दी, मैं प्रतीत ऐसा जी। दूसरी चीज देखिए, ये रमन जी, ये एक बड़ी विचित्र बात है। मैंने ये कहा कि विपक्षी दलों का ये आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और अगर वो इस तरह की राजनीति ना करे तो उसका वोट बैंक कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसमें तो असदुद्दीन ओवैसी वाली कोई बात नहीं हुई, स्क्रिप्ट अगर आपने पैकेज सुना और अगर आपको लगता है कि पार्टी के फेवर में कोई बात नहीं चाह रही या
पार्टी चालीसा हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो चीजें दिक्कत वाली हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर आप पार्टी चालीसा चलेंगे तो फिर आपको लोग वो भी मीडिया बोलेंगे जी। ये भी तो विचारों पत्रकारों की विडंबना है जीवन की जी, कि जब तक वो न्यूट्रल नहीं होते तब तक विचारों को कभी इधर से ताना पड़ता है कभी उधर से ताना पड़ता है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपकी भाषा बोले तो न्यूट्रल हो जाएंगे? नहीं साहब, मेरी भाषा क्यों बोलो जी, हम तो ना पैसे देते हैं ना ऐड देते हैं ना कोई बड़े बड़े विज्ञापनों के 900 करोड़ के विज्ञापन तो हम देते नहीं है। वैसे तो कैसे मानते हैं, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति होनी चाहिए और बीजेपी कहां पर स्टैंड करती है इस मामले को लेकर, मानती है या नहीं मानती है? बीजेपी मानती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जी, लेकिन बीजेपी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है जी उसका कट्टर विरोध करती है। उसके लिए ये मानना है भाजपा के लिए कि भारत का हरेक नागरिक समान अधिकार लेकर पैदा हुआ है जी। देश की संपदा के ऊपर उसका समान अधिकार है, किसी विशेष जाति धर्म विशेष लिंग का देश की संपदा के ऊपर विशेष अधिकार नहीं हो सकता। तो जो अभी जुलूस निकाले गए हैं ऊपर कोई किताब नहीं हो सकती रमन जी, जो अभी जुलूस निकाले गए हैं धार्मिक जुलूस जो निकाले गए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक ही पक्ष पे चल रहा है, जबकि गलतियां दोनों पक्षों की हैं, बिना इजाजत के जुलूस निकाले गए, तो आप इसमें क्या देखते हैं? बिना पुलिस ही कह रही, दिल्ली पुलिस का कहना है वीएसपी की जो लेटर पे अप्रूवल हुआ हुआ था, इंफॉर्मेशन हुई हुई थी, आपके संज्ञान में वो नहीं आई? आपकी रिसर्च टीम क्या निकम्मी है? नहीं है, बहुत सक्षम रिसर्च टीम है। तो एक ही व्यक्ति दोषी है, एक साइड का व्यक्ति दोषी है, दोनों को नहीं मानते आप? देखिए एक मिनट, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके घर के नीचे से मेरे घर के नीचे से आप जा रहे हैं जी और आप अपना तिलक लगा के जा रहे हैं और मैं 72 छेदी टोपी पहन के जी बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के ऊपर से पत्थर मारूं तो वो तो हुआ सेकुलरिज्म जी, और अगर कोई ये नई परिभाषा कर दे तो वो कम्युनलिज्म हो जाता है। ये नई परिभाषा है सेकुलरिज्म की है। एक मिनट सुनिए, आपने ये बोला बिना परमिशन के, आप मेरे को ये सिद्ध कर दे बिना परमिशन के साथ, आपके पास क्या सबूत है? मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बतेरी लेटर्स देखी हैं जो कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रॉपर इजाजत के साथ थी। अब आपको मैं दूसरी चीज बोलता हूँ जी, कि साहब जो राजस्थान में जब बुलडोजर चलता है ना पीले रंग का जी, तो वो तो हो जाता है सेकुलर बुलडोजर, और जब अच्छा बड़ा विचित्र चीज है, एक घटना को पकड़कर आप कह देते हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन अगर अगर आप पर सवाल खड़े होते हैं तो आप उसमें तिलमिला जाते हैं। ऐसा कौन सा चश्मा है जो एक ही रंग के बुलडोजर को कम्युनल और सेकुलर बना देता है? सिर्फ एक फर्क होता है। तो सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मस्जिदों में जाकर झंडे फहराए जाते हैं, मस्जिदों के रंग अलग अलग कर दिए जाते हैं, एक रंग के कर दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ जी। सर ऐसा है, मेरे को ना थोड़ी बुरी आदत, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी करके डिबेट पे बैठता हूँ जी सर। ऐसे ही हनुमान शोभा यात्रा निकल रही थी और ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड में है जी, क्योंकि तब तक ना बीजेपी थी ना संघ था ना विश्व हिंदू परिषद थी ना बजरंग दल था जी। तो हनुमान शोभा यात्रा निकलती है, उसके ऊपर बकायदा पत्थर बरसाए जाते हैं, तलवारें चलाई जाती हैं, 3 दिन तक वो शहर जो है अंग्रेजी हुकूमत की कंट्रोल से बाहर हो जाता है जी। उस समय तो भाजपा नहीं थी, उस समय बजरंग दल नहीं था, उस समय विश्व हिंदू परिषद नहीं था, RSS नहीं था। तो ये बताइए कि उस समय उसको कौन उत्तेजना दे रहा था? मोपला रॉयट्स हुए थे वो थे। ये आपको समझ पड़ेगा, एक राय विशेष को जी। आपकी आवाज सुधारने की कोशिश करते हैं, आपकी पूरी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं उस नेटवर्क को सुधारने की। कुंतल कृष्णा जी आपके पास आना चाहेंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस जो है बीजेपी पर अक्सर लगाती रही है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए उसमें देखा गया कि कांग्रेस भी ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आई है, क्या बीजेपी से प्रेरित हो गए हैं या उसी रास्ते पर, या आप अपना रास्ता भूल चुके हैं? रविंद्र जी, कांग्रेस तो कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति न करती थी, न करती है और न करेगी।
पहली बात। दूसरी बात, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि इस देश में कोई भी आज की स्थिति में इस देश में वोट गिरते हैं सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एक एजेंडा के ऊपर, जो एजेंडा है कॉमनल लाइंस पे पोलराइजेशन, ठीक है, धार्मिक लाइन पे। वाराणसी की रैली याद है आपको, जब प्रियंका गांधी चंदन का टीका लगाकर हाथों में माला लेकर गई थी, राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे थे, दुर्गा जी के व्रत की बात कही जा रही थी, तो ये सब क्या था? सिंह साहब, प्रियंका गांधी के चंदन माथे पे चंदन लगाने से और हाथ में माला लेके जाने से ध्रुवीकरण अगर होता है तो इस देश का, तो गांधी परिवार की ये परंपरा तो रही नहीं ना, उनकी तो विचारधारा ही अलग थी, फिर ये इस तरफ की विचारधारा कैसे चली गई? मेरी बात, आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरा जवाब तो सुनेंगे ना जी। इस देश में धर्म के प्रति आस्था रखना ध्रुवीकरण नहीं है। नहीं, ये किसने कहा? इस देश में अपने धर्म के प्रति आस्था रखवाने की बात करते हुए दूसरे धर्म के प्रति घृणा पैदा करना, ये ध्रुवीकरण है जो कांग्रेस कभी नहीं। कृष्णा जी, धर्म के प्रति आस्था रखना अलग चीज है, लेकिन धर्म के प्रति आस्था रखने का दिखावा करना अलग चीज है ना, ये तो दिखावा हुआ ना। ये हम और आप कैसे तय कर देंगे कि वो आस्था दिखावा है या नहीं है? तो आस्था को प्रकट किया जाता है सबके सामने। परंतु आपके चैनल पे ही आपने एक सवाल पूछा और उसके जवाब में नाम लिया जाता है किसका? तो ओवैसी का। ओवैसी तो शुद्ध रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले भाजपा के ही बंधु है। अब तो इस देश में कुछ बचा ही नहीं है। मैं और आप तो छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट तक ये टिप्पणी करने पे बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट तक ये टिप्पणी करने पे बाध्य है। रमन जी, जवाब है कोई आपके पास? कुंतल कृष्णा जी का आरोप है सीधा सीधा, बी पार्टी है ओवैसी आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बी पार्टी तो आम आदमी पार्टी भी है। हमारी बी पार्टी कई बार जब टीएमसी इनके विरुद्ध बोलना शुरू होती है तो वो हमारी बी टीम हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास लीडरशिप के एक, जिसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा कमी है, अभाव है जी। एक सेंसिबल लीडरशिप अगर होती तो प्रशांत किशोर भी कुछ कर पाता। मैं अपने आप को ये सोचा कि भैया डूबते जहाज में बैठने से अच्छा है कि कूदी मार के सबसे पास जो जमीन हो, चाहे वो टापू अकेला हो, उस पर बैठ जाऊंगा, लेकिन इस डूबते जहाज में नहीं बैठूंगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है और आपके माध्यम से समय मिल सके तो, कि जब ये सवाल मुझसे जवाब देने बोलते हैं कि कमलनाथ बोलते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी, मनमोहन सिंह बोलते हैं पहला अधिकार मुसलमानों का है देश की संपदा, ये बोला जाता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी की तैसी हम शाबानों करके दिखाते हैं जी। तो ये बताइए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति, इसका सबूत भी होगा आपके पास, राजनीति क्या है ये, कौन सी राजनीति जी? कुंतल जी जवाब दीजिए, बाकी दो गेस्ट के पास भी हमें जाना है। जी, मैं भाजपा के अपने साथी को तो पहले, मुझे पता है कि मलिक साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी और बहुत होमवर्क करके आते हैं, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि जो उन्होंने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के ऊपर जो अपनी टिप्पणी दी थी अंग्रेज के जमाने की, उसके थोड़े से डिटेल्स आपको और हमें बता दें किस सन में और किस जिले में हुआ था, तो हमारी भी जानकारी बढ़ जाएगी। पहली बात, दूसरी बात अभी मलिक साहब आपसे और कुछ सवाल है, सवाल सुन ले, जवाब तो आप ही को देना है जी। दूसरी बात, इस देश में कोई भी लाभकारी योजना कहीं पे किसी भी स्तर पे सफल नहीं है। इस देश में पहले दिन से, पहले आरएसएस की ये वर्षों की प्लानिंग है और जब से भाजपा शासन में आई है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रही है। ये भी चीज है, आप अपने लीडरशिप को चुनौती नहीं देंगे। चलिए, शीबा असलम जी भी हमारे साथ हैं जो कि स्कॉलर हैं, उनसे हम जानते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह की जब राजनीति होती है तो एक जो विद्यार्थी होता है और एक समाज होता है वो अपने आप को जो ठगा सा महसूस करने लगता है, अपने आप को अकेला सा खड़ा महसूस होने करता है। शीबा जी, क्या सोचती हैं जिस तरह की राजनीति वर्तमान समय में हो रही है, क्या आप मानती हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रही है? कैसे देखती हैं राजनीति? बहुत शुक्रिया, ये बहुत वाजिब बात है, ये मेरे पास पलट की आवाज है जी।
क्या सब ठीक है? ऑडियो मेरे पास आवाज आ रही है जी? आ रही, थोड़ा सा कट के आ रही, लेकिन आप बोलना शुरू करें थोड़ा सा। अच्छा, तो बात ये है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये आपने सही कहा, और आपका जो पैकेज चला था वो भी बहुत ठीक था, सटीक था। सरकार का काम था राष्ट्र राज्य में अपने हर नागरिक को एक दयालु पिता की तरह संभालना, जहाँ पर गलती हो वहाँ पर उसका सुधार करना, ना कि उससे बदला लेना। ये जो सरकार बदला ले रही है और जो एक खास तरह का जनमानस बनाया गया है कि ये देश सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है जी। इसने देश में कुछ लोगों को अलगाववाद की तरफ धकेलने का काम किया है, जिनके अंदर ये भावना भर रहे हैं कि ये देश उनका उतना नहीं है जितना बहुजन समाज का है, या आप कहना चाहिए कि मेजोरिटी का। शिवाजी, क्या ये सवाल आपका, ये सवाल अपने समाज से नहीं बनता है कि आप अपने समाज के उन लीडर से ये पूछें कि आखिर इस तरह की स्थिति मुसलमानों के सामने क्यों आई? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम उनसे क्यों पूछें ये सवाल? मतलब क्या मैं पूछूं कि हम 14% क्यों हैं, हम बराबर बराबर क्यों नहीं है? नहीं, सवाल प्रतिनिधित्व का है कि जब प्रतिनिधित्व की बात होती है और बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे कोई काम क्यों नहीं किए जिससे मजबूती मिले आपको? कोई एक बड़ा मुस्लिम लीडर, और आज क्या आपके सलमान खुर्शीद ही रहे हैं? सलमान खुर्शीद लीडर हैं, कोई बड़े लीडर नहीं है आज तक। उन्होंने ऐसी बात करी हो जिससे वो लगा है वो लीडर है। वो मैं वही कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जैसे आज लीडर है, आपके पास सलमान खुर्शीद जैसे लीडर हुए, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इतने मुस्लिम लीडरों को टिकट दी जाती है लेकिन वो आवाज क्यों ठीक तरीके से नहीं उठा पाते? सबसे थके हुए लोगों का नाम लेकर के कह रहे हैं कि वो बड़े मुस्लिम लीडर हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में जो मुसलमान, सवाल यही है ना कि आपने किसी ऐसे लीडर को खड़ा ही नहीं किया जो एक्शन मोड पे आए? आप बोलने नहीं देंगे, यानी आप बोलने नहीं देंगे? नहीं, आपने ये कहा कि थके हुए लीडर का नाम, आपने कहा थके हुए लीडर का नाम, मैंने कहा कि आपका समाज बड़े लीडर ऐसे क्यों नहीं तैयार कर सका जो एक्शन ले सके? अब आप मुझे बोलने दीजिए जी। भारत के मुसलमानों ने कभी भी मुसलमान कयादत, मुसलमान लीडरशिप को कभी नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सेकुलर पार्टीज को चुना, और सेकुलर पार्टीज में ही अपने को अगर कोशिश की कि उसमें हम अपनी नुमाइंदगी करें। उनके लीडर हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा, या समाजवादी पार्टी का कोई प्रेसिडेंट है वो रहा, या मायावती जी रही, या अरविंद केजरीवाल रहे। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी अलग थलग राजनीतिक दुकान क्यों नहीं खोल रहा है, आप इसके लिए हमें डांट रहे हैं? ये अजीब सा नहीं, सवाल आप हमारे सवाल नहीं, नहीं आप भारत का, आप भारत का शिवाजी, शिवाजी हमारे कहने का मतलब नहीं 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 आप गलत ले गए। मैंने सिर्फ ये कहा कि क्या ये सवाल दुकान क्यों खोलेगा? शिवाजी, सियासी दुकान की बात नहीं है, जब राजनीति में प्रति हम हिंदू लीडरशिप जो है हम उसको इतना सच्चा और ऐसा नहीं मान सकते कि वो हमारी भी कयादत करें एक जनता के रूप में? हमारा सवाल वो नहीं है, हमारा सवाल ये है कि क्या आपको ये लगता है कि आपकी जो लीडरशिप रही है वो इतनी मजबूती से आपकी आवाज को नहीं उठा पा रही है, या ऐसी आवाज क्रिएट नहीं की वो मजबूती नहीं दे पाए आप लोगों को? आप समझिए इस बात को जी, आप कहाँ हमें ढकेल के पहुंचा रहे हैं? ये अपना आपका अजीब सा ख्याल है। आप क्यों कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप, आप हमें अलग करके क्यों देख रहे हैं? हम भारत के नागरिक है, जो हमारे हिंदू पड़ोसी की समस्या है वही हमारी समस्या है, हमें अलग से मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। मैं मुसलमान लीडर के होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब तक जो लीडर आपके हुए हैं उन पर क्या आप सवाल खड़े करेंगी? अरे हम तो उनसे पूछेंगी ये सवाल जो आप हिंदू लीडर से पूछ रही हैं? नहीं, मेरा आप हिंदू मुसलमान मत करिए प्लीज, मैं ये कह रही हूँ। आपने शुरू किया इसलिए बोल रहा हूँ। हम वोट देते हैं, ठीक है, हम मुसलमान नहीं ढूंढते, हम ये ढूंढते हैं कि जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट कौन है। अगर उसमें बेस्ट में अगर चार मुसलमान हमें ऑप्शंस दिए गए तो उनमें से कोई मुसलमान ही आकर आ जाएगा, फिर आप कहेंगे हमने मुसलमान चुना। लीडरशिप तय करती है कैंडिडेट कहाँ से आएगा जी। तो आप ये समझिए कि आप ये खतरनाक बात है कि हम मुसलमान ये समझ ले और ये मानने लगे कि कोई अगर मुसलमान नहीं है तो वो इंसाफ नहीं करेगा, वो सबके साथ बराबरी नहीं करेगा। हम तो चाहते हैं मोदी साहब, शिवाजी या तो आप सवाल का जवाब सवाल ठीक से समझ नहीं पाई हैं और या आप जवाब देना नहीं चाह रही हैं। रविकांत जी, आपके पास आना चाहेंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे?
और ये ध्रुवीकरण की राजनीति देश के लिए कितनी खतरनाक है? देखिए, निश्चित रूप से आज की जो राजनीति है जिसका सबसे प्रमुख पहलू ध्रुवीकरण है, ये इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और भारत की परंपराओं के लिए, मूल्यों के लिए, ये समूचे जो जिनको हम कहते हैं कि जो भारतीयता है उसके लिए खतरनाक है। और दुर्भाग्य से आजादी के आंदोलन के समय से ही और अब तक वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति है जो आजादी के बाद कम हुई थी, वो इधर आकर के पिछले 2-3 दशकों में बहुत तेजी से बढ़ी है और इस समय तो ध्रुवीकरण के आधार पर ही चुनाव जीते जा रहे हैं। और उसकी वजह ये लगती है कि जैसे चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, डिलीवरी के नाम पर उनके पास जो उन्होंने सपने दिखाए थे लोगों को वो नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो शायद उनको इसी बात पर भरोसा है कि हिंदू मुसलमान करके हमको चुनाव जीतना है। जो रमन साहब हैं उन्होंने जो कहा कि भाई पढ़ के आते हैं और मोपला की शायद बात की उन्होंने, मोपला विद्रोह की कि उस समय भी बजरंग दल नहीं था, बीजेपी नहीं थी और उस समय ये हो रहा था। तो मैं उनका केवल ध्यान खींचना चाहता हूँ कि उस समय भी भारत में हिंदुत्ववादी ताकतें थीं। भारत धर्म महामंडल 1900 में गठित हो चुका था, हिंदू महासभा 1910 में गठित हो चुकी थी, 1925 में आरएसएस गठित हो चुकी थी। और इनकी जो गतिविधियां हैं, मैं उसका एक उदाहरण केवल आपके सामने रखना चाहता हूं। 1935 का जो इलेक्शन है, 1937 के इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जिस समय कैंपेन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस समय वो भारतीय जनमानस को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो साधु सन्यासी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो साधु सन्यासी हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, जिनके हाथों में इस तरह के हिंसक जो प्रतीक हैं, ये दरअसल लोगों को बरगला रहे हैं, धार्मिक रूप से हिंसक बना रहे हैं और ऐसे साधु सन्यासियों पर भरोसा मत कीजिए, ये सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। उनका अभी ताजा उदाहरण मुझे लगा रमाकांत जी, बड़ा मैं भी हूँ प्रोफेसर, ताजा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है जो सभाएं होती हैं। मैं आपको काउंटर उदाहरण देता हूँ, आप पहले मेरे को ये बताइए आप कोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? मनगढ़ंत, थोड़ा पढ़ लीजिए, आप ही बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। अरे भाई मैं कोई फर्जी डिग्रीधारी थोड़े ही हूँ। रमन मलिक जी, मैं फर्जी प्रोफेसर रविकांत जी हैं, पॉलिटिकल साइंस में नहीं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं। वो रेफरेंस 1937 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस, मेरा नंबर ले लीजिएगा और मैं भेज दूंगा। प्रोफेसर रविकांत जी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। रेफरेंस पॉइंट दीजिए मेरे को, ये सही कोई नहीं, आपके क्या क्रेडेंशियल है आप मेरे को? मैं भेज दूंगा ना सुभाष चंद्र बोस के जो, अरे सुनेंगे ना आप ना प्रकाशन, चलिए सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के जो व्याख्यान संकलित हैं 11 भागों में जी, रमन जी उनको पढ़ लीजिए अगर आप बहुत पढ़ाकू हैं तो, अदरवाइज फालतू के सवाल मत कीजिए कि कहाँ से पढ़ा है। नहीं, आपस में लड़ने के बजाय बात का जवाब दे जाए। रविकांत जी हाथ देखिए, हर मेहमान हमारे लिए पूजनीय है, हर मेहमान हमारा स्वागत योग है, लेकिन ऐसी भाषा का या ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे एक दूसरे से कटुता पैदा हो। हम इस मंच पर इसलिए बैठे हैं ताकि जनता के सामने, जो भी लोग हमें देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनके सामने सही संदेश पहुंचे। कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या कंट्रोल नहीं होना चाहिए इनके लिए? रविकांत जी, ध्रुवीकरण की राजनीति पर कंट्रोल अगर किया जाए तो किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति निश्चित रूप से इस पूरे भारतीयता पर सवाल खड़े कर रही है और मुझे लगता है कि ये काम तो राजनीतिक इच्छा शक्ति से होगा, हम सबको करना होगा और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं फिर से एक कोट पढ़ रहा हूँ रमन साहब, ना हो तो आप देख लीजिएगा। 25 नवंबर 1949 को माने संविधान सभा के एक दिन पहले, मतलब जो अंतिम दिन था उसके नहीं, हम ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने, रवि जी हम ज्यादा दूर ना जाएं, अगर हम वर्तमान समय में आए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच जो धर्म संसद में होती है उस पर लगाम लगाई जाए, बहुत ज्यादा दूर ना जाएं। निश्चित रूप से, निश्चित
रमन जी, रमन जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ, वो सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ। बाबा साहब ने जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए कहा था कि हम किसी महामानव के चरणों में अपनी स्वतंत्रता न रख दें और उसे इतना शक्तिशाली न बना दें कि वो सारी संस्थाओं को ही नष्ट कर दे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चरणों में बंधन करने की वजह, लेकिन नेहरू ने जो किया वो तो कांग्रेस के नेता बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें आज पूरे तरीके से सच हो रही हैं कि जहाँ रमन जी से जवाब देते हैं, स्थिति है, रमन जी से जवाब सवाल खड़े हो रहे हैं, रमन जी और जो भी संस्थाएं, रमन जी आप पे सवाल है, ये आप पे सवाल है। वर्तमान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद को लेकर भी सवाल खड़े किए कि हेट स्पीच पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती। वो इसलिए कि मैं तो इतना बोलूंगा कि बेशक मैं सुप्रीम कोर्ट की कितनी चीजों को सही मानूं या गलत मानूं, मैं अपना विचार तो व्यक्त कर दूंगा, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करूंगा। ये एक मानसिकता है, करने का तरीका है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम बात कर रहे हैं हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच क्या होती है वो मैंने आज भी ट्वीट करा है कि महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर साहब हैं, वो माँ बहन की गाली दे रहे हैं और वो हनुमान जी के साथ माँ बहन की गाली दे रहे हैं कि हनुमान जी को ये करो वो करो, मैंने ट्वीट करा है वो। आप ये बताइए उस हेट स्पीच का आप क्या करेंगे? अच्छा एक सवाल और, एक सवाल और रमन जी, यही इसी से जुड़ा, इसी से जुड़ा, इससे जुड़ा एक सवाल। बड़ी बड़ी जल्दी से मैंने इंतजार करके अपना जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं आप जवाब दीजिए, आपके जवाब देने से नहीं रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक सवाल बनता है, मेरे को ये बताइए सबसे पहले जी कि ये तुम हिंदू क्या कर लोगे, तुम ये क्या कर लोगे? इतने साल जब ये चल रहा था तब तक हेट स्पीच की याद किसी कोर्ट को किसी जज को नहीं आई। आज इंटॉलरेंस क्यों है भाई? सिर्फ इसलिए कि आज एक वर्ग अपने हकों के लिए बात करने लग गया है, सवाल पूछने लग गया है जी। आपको दिक्कत क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से धर्म शास्त्र में क्या लिखा था जिसकी वजह से आपने हिंदू लॉ बिल बनाया? चलिए शिवाजी से इसका हम जवाब लेते हैं। शिवाजी, रमन मलिक जी कह रहे हैं हिंदुओं का तुष्टीकरण कर, उसको आप अच्छी तरह से सुन रही हैं। एक और समुदाय को क्या जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? आप मुझे नहीं पता ये किस नेता को, महाराष्ट्र के नेता को कोट कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या ही जवाब दूं। जो भी असहिष्णु बात करे उसके ऊपर लगाम लगनी ही चाहिए जी। लेकिन जब रेप की कॉल्स दिए जा रहे हैं, जनसंहार के कॉल्स दिए जा रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आपको सारे समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और सरकार क्या कर रही है? अब्दुल सत्तार अब्दुल सत्तार नाम ले रहे हैं मंत्री जी का। हाँ, जो भी है उन साहब को सहिष्णुता का पाठ सिखाया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, लेकिन अपराध करने के जो सारे आह्वान दिए जाते हैं उसमें स्टेट का जो रोल है, आप समाज के अंदर अपराध को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? अपराध करने की धमकियां, अपराध करने का आह्वान दिया जाता, यूं ही नहीं इतने सारे ऑफिसर को ये कहना पड़ा कि स्टेट अपना काम करे। और मोदी साहब को उसके बारे में सोचना चाहिए, बयान देना चाहिए, आगे आना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही शिवाजी, इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जात का व्यक्ति अगर धार्मिक उन्मान फैलाने की कोशिश करता है, हेट स्पीच देता है, बरगलाने की कोशिश करता है, ध्रुवीकरण करता है, तो ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। चलते हैं रमन जी के पास। रमन जी, इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? कभी हिजाब पे बात होती है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात होती है, तो ऐसे मुद्दे, फिर लाउडस्पीकर पे बात होती है, फिर हनुमान चालीसा पे बात होती है, इस तरह के मुद्दे उठाने का क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि न्यूज चैनल इस देश में सिर्फ एक चलेगी और बाकी न्यूज चैनल को सिर्फ उसी चैनल के हिसाब से काम करना होगा जी, तो वो कितना जायज होगा? तो यही सवाल तो विपक्ष कर रहा है आप लोगों से कि एक ही कलर में देश को रंगने की कोशिश क्यों की जा रही? वही जवाब दे रहा हूँ ना। तो जब जब आप ये बोलेंगे
कि नहीं सबकी स्वतंत्र मत है, लेकिन उनको एक ही दायरे में संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए, तो उसका जवाब आपको मिल जाता है जी। वही बात मेरे ख्याल से अगर मैं गलती नहीं खा रहा हूं तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये अंबेडकर साहब की लिखी हुई की किताब है, उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस के करी हुए कृत्यों को और क्या वजहें रही और क्यों पार्टीशन के अंदर इट वॉज अ बैड थॉट। नहीं उधर तो जाएंगे, देखिए उस विषय पर भी हम कभी चर्चा कर लेंगे, अभी तो सिर्फ ध्रुवीकरण पे बात हो रही कि बीजेपी को इस तरह के ही मुद्दे क्यों मिलते हैं। ध्रुवीकरण को बता रहा हूँ ना, तो जो पार्टीशन सिर्फ धर्म के आधार पे करवाया गया था, उसके बाद ये सेकुलरिज्म का एक शगुफा 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से इस संविधान में जोड़ा गया, जो संविधान ये कहता था कि किसी भी नागरिक के साथ उसके किसी भी धर्म, उसके लिंग, उसके शरीर के रंग की वजह से भेदभाव ना हो, चाहे स्टेट का या जुडिशरी का, उसमें सेकुलरिज्म क्यों लाना चाहिए था, ये तो वही जाने जिन्होंने लाया क्योंकि उनकी मंशा क्या थी। लेकिन हम इसको दुरुस्त करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि तो ध्रुवीकरण से दुरुस्त हो जाएगा सर, ये इस देश का 130 करोड़ से ऊपर जो नागरिक है जी, वो कभी भी ये ना समझे कि सरकार की कोई नीति किसी भी व्यक्ति या नागरिक के खिलाफ होगी, क्योंकि हर नागरिक का समान अधिकार है, उसका उतना ही हक है जितना एक का हो या 130 करोड़ व्यक्ति का है, उसका उतना ही अधिकार नहीं बड़े पे सर को जितना राजनीति में ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते बड़े मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो सवाल ये था कि बीजेपी को इस तरह के मुद्दे ही क्यों रास आते हैं। बीजेपी मुद्दे नहीं उठाती, बीजेपी प्रतिकार करती है, जवाब देती है, हम वार नहीं करते, प्रतिकार करते हैं। तो आप वार मत कीजिए, कोई प्रतिकार नहीं होगा। तो वार प्रतिकार क्या है, ध्रुवीकरण की राजनीति को आप उचित मानते हैं फिर? मैं ये समर्थन करता हूं, अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा सर। सत्ता में तो आप हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति दूसरा कौन कर रहा है? आप मत करिए, आप मत करिए। सत्ता में तो आप हैं सर, ध्रुवीकरण की राजनीति दूसरा कौन कर रहा है? सारे कर रहे, कांग्रेस सबसे बड़ी ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली। आप बीएसपी को देखिए, आप सपा को देखिए, आप ये बताइए कांग्रेस के, मैं इस पीछे यूपी के चुनाव के अंदर 35 ऐसे जिले हैं जिसमें मुस्लिम बहुल जो नागरिकता है वो एक लेवल तक है, तो उसमें ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ मुस्लिम ही चुन के आए? ये जो विषय है इसको काम के विषय से हटा के धर्म के विषय पे ले जाना, ये भाजपा ने नहीं करा, ये करने वाले वो लोग हैं जो आज तक इस चीज के लिए रो रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, जबकि वो खुद करते हैं। वो लोग हैं जो अवार्ड वापसी गैंग है, वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी की वजह से अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो लोग हैं साहब जो इंडिया है। रविकांत जी कितना सहमत नजर आते हैं रमन जी की बातों से, इंडिया है वो, अंग्रेजों को छोड़े हुए इंडिया है, वो भारत नहीं है। रविकांत जी भारत की लैंग्वेज में सोचते कितना सहमत नजर आते हैं रमन जी की बातों से आप, भारतीय बनके सोचेंगे तब पता चलेगा। सारे आरोप विपक्षी दलों पे मर दिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस करती है, एसपी करती है, बीएसपी करती है। ध्रुवीकरण का मतलब अगर हम लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करें तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही ये मकबूलियत जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह से अभी भी रमन साहब को आप देखिए जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं जी, उन्हें संविधान का कोई लिहाज नहीं है कि बार होगा तो प्रतिकार होगा। अरे साहब, कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? संविधान है कि नहीं है? या आप भी नहीं, बीएसपी भी करती है राजनीति, समाजवादी पार्टी भी करती है राजनीति, कांग्रेस भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती ध्रुवीकरण की राजनीति, ये कहना चाह रहे हैं रमन जी? इस बात से सहमत है? मानता हूँ, ये मैं बिलीव करता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा था कि ध्रुवीकरण का मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी भी ध्रुवीकरण करती है, लेकिन ध्रुवीकरण करने के अपने तरीके होते हैं। आप किसी समाज विशेष को थोड़ा उसके साथ, अगर हम तुष्टिकरण ही शब्द का इस्तेमाल करें तो पहली बात को उसको कलंकित कर दिया, तुष्टिकरण शब्द गलत नहीं है। तुष्टिकरण का मतलब जो अभी बात कर रहे थे रमन साहब, कि मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि
अल्पसंख्यकों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसको मिसकोट किया जाता है, कहिए तो मैं पढ़ दूंगा, ये मनमोहन सिंह साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल अलग थी और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बराबर उसको मिसकोट करते हैं। लेकिन रविकांत जी, पिछले दल जो है, आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं, पिछले दल जो है ऐसा तो है, ध्रुवीकरण क्षेत्रीय राजनीति के तहत भी होता है, भाषा को लेकर भी होता है, जाति के आधार पर भी होता है, और कई दल तो ऐसे हैं जो जातिगत आधार पर ही तय हुए हैं या समुदाय के आधार पर तय हुए हैं, बने हैं आज। तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो वहां से भी शुरू हुई। ध्रुवीकरण तो बराक ओबामा ने भी किया था अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वो डेवलपमेंट के आधार पर किया था कि आप एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो आपकी बातों से सहमत हो, आपके एजेंडे से सहमत हो। लेकिन वो एजेंडा क्या होगा? वो एजेंडा आपका डेवलपमेंट का होगा, वो एजेंडा नफरत और हिंसा का होगा, या वो एजेंडा ये होगा कि साहब हम आपको सशक्त बनाएंगे? अगर आप जाति की बात करें तो कांशीराम से लेकर के मायावती तक ने या लालू प्रसाद यादव ने जो किया है वो जाति के आधार पर ध्रुवीकरण है, निश्चित रूप से है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फला जाति जाकर के दूसरी जाति के खिलाफ हिंसा करे। वो ये कहते हैं कि जो दबी कुचले जो समाज है, जो वंचित समाज है, उसे हम ऊपर ले आएंगे, उसका सशक्तिकरण करेंगे, उसे जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उनको हम सुनिश्चित करेंगे। ये भी एक किस्म का ध्रुवीकरण है, लेकिन उसे आप भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि खुले आप धमकी देना, अभी के वार होगा तो प्रतिकार। अरे साहब, सरकार आपकी है, कहां वार हो रहा है? जो वार कर रहा है उसको कानून के अनुसार उसे जेल जाना चाहिए, उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिले, लेकिन आप कौन होते हैं? आपको ये किसने अधिकार दिया है? और मैं तो फिर कहूंगा कि रमन साहब ने गोलवलकर साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था बंच ऑफ थॉट्स में कि साहब इस लोकतंत्र जो है वो भारत के जनमानस के अनुकूल नहीं है। तो आप लोकतंत्र को ही नहीं मानते। संविधान के लिए तो पांच जन में जो लिखा गया था वो कहिए तो पढ़ के सुना दूंगा। जी आ रहे हैं शिवाजी, शिवाजी क्या होनी चाहिए राजनीति की दिशा? क्या सोचते हैं एज ए स्कॉलर आप कि भारत को आज के दिन पर किस तरह की राजनीति की आवश्यकता है? क्या युवाओं का योगदान रह सकता है? शिवाजी, उनको पटल से गायब करने की साजिश है, सिर्फ और सिर्फ भारत के गरीबों को आपस में लड़ाया जा रहा है। आप देखिए किन बस्तियों से ये शोभा यात्राएं निकलती हैं, किन लोगों को एड्रेस किया जाता है, किसी धनाढ्य वर्ग की जो बस्तियां हैं दिल्ली में, वसंत कुंज, वसंत विहार या सैनिक कॉलोनी से तो नहीं जाएगा। ये सवाल है कि गरीब आपस में हिंदू मुसलमान में बटा रहे, जिसमें अपने सवाल ना करे, अपनी शिक्षा रोजगार और अपनी स्वास्थ्य का सवाल ना करे। नहीं, मुस्लिम समुदाय को ये सोचने की जरूरत है इस वक्त कि उसे किस तरफ, जो उसका वोट बैंक है वो किस तरफ जा रहा। अगर अभी हम हाल के चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उसमें एक तरफा वोट मुस्लिम समुदाय का समाजवादी पार्टी को मिला। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बाकी सब लोगों ने सबको, बाकियों को सबको वोट दिया? अरे जो जीता है सारा सपोर्ट तो उसको मिला है ना, यानी कि भाजपा जीती है तो एक समुदाय ने एकजुट होकर के भाजपा को वोट दिया, आपको ये नहीं दिख रहा? आप क्या उनकी बात क्यों कह रहे हैं? जो जीता है इसका मतलब उसको एक तरफा वोट मिला है तभी वो जीता है, तो जीता तो भाजपा है। भाजपा तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर 80-20 के उस पर आधारित है, वो कहती है हमें चाहिए नहीं मुस्लिमों का वोट। अब आप ही ने यही बात कह दी, लेकिन वो तो दिखाई पड़ा ना राजनीति में, वो तो वोट बैंक का जो प्रतिशत आया शिवाजी वो तो उसमें है ना। ओवैसी को वोट नहीं दिया, वो धर्म की बात कर रहे थे, उन्होंने ओवैसी को वोट नहीं दिया, उन्होंने एक सेकुलर पार्टी को वोट दिया। कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। कृष्णा जी, कांग्रेस पर बड़े आरोप हैं, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट बैंक हासिल करने की जद्दोजहद में लगी रही, लेकिन कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तक को नहीं बचा पा रही है, जिस कारण से उसे ध्रुवीकरण की तरफ घूमना पड़ा क्या, और गांधीवादी जो विचारधारा वो पीछे छोड़ दी उसने? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। रमन जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, क्या कहना चाह रहे थे शिवाजी की बात पर? देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा कि आजम खान साहब को विशुद्ध रूप से उनके बेटे को कैसे वोट मिला, क्यों हुआ, वो जो किसी भी मुसलमान के ऊपर FIR तब तक नहीं दर्ज होगी जब तक मेरे से इजाजत नहीं लोगे, यूपी में जो हाल था
वो सबको पता है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इस पे जाना चाहता हूँ कि मेरी मेरा ध्रुवीकरण उस पे क्या कहेंगे कि जब भाजपा का ध्रुवीकरण किसानों को कुचलने की बात करी गई उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक मिनट, मेरे को पहले बात रखने दीजिए, फिर मैं आपका जवाब दे जी। भाजपा का ध्रुवीकरण है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका विकास। अब मेरे को ये बताइए कि इसके अंदर जातीय ध्रुवीकरण कहाँ से आ गया? दूसरी चीज जो मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें सरकार की जब भी कोई स्कीम आई उसमें किसी के लिए किसी का धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हुआ, पक्षपात हुआ, नहीं हुआ? योगी आदित्यनाथ जी ने तो 80-20 की बात ही शुरुआत में ही कर दी थी। 20,000 करोड़ रुपया 80-20 की बात शुरुआत में ही कर दी थी यूपी चुनाव में। सबसे ज्यादा है रमन जी, आप क्या बात कर रहे हैं? रमन जी 3 करोड़ रमन जी बच्चों को 80-20 की बात तो शुरुआत में ही कर दी थी, उसके बाद कार सेवकों की बात करी उन्होंने। 80-20 की बात तो शुरुआत से ही करी, तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो वहां से शुरू हो गई थी ना। कहां से? जब 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। नहीं तो 80-20 क्या है, उसको उन्होंने बार बार समझाया जी। 80 वो लोग हैं जो देश की किताब के साथ चलते हैं जी, और 20 वो हैं जो अपनी किताब बनाए पढ़ते हैं। देश की किताब, देश का संविधान है, विकास है, काम है, न्याय व्यवस्था है। 20 वो है जो ये समझते हैं कि ये जमीन हमारे बाप की है, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो राव इंदौरी ने बोला था ना कि किसी के बाप का थोड़ी है हिंदुस्तान। मैं तो आज ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने 22,000 करोड़, अगर इस सरकार ने 22,000 करोड़ मुसलमान की तालीम के लिए उनके ऊपर खर्च करे हैं, मौलवियों के लिए, दूसरी चीजों के लिए इन इतने सालों में, या 3,20,00,000 बच्चों को वजीफे दिए हैं, वो खाली एक पुस्तक से उठा के लैपटॉप उनके हाथ में देना चाह रहे हैं कि वो पढ़े बढ़े, तो इसमें ध्रुवीकरण अगर मैं कर रहा हूँ तो ऐसा ध्रुवीकरण मैं हर बार होना चाहिए। चलिए शिवा जी, 30 सेकंड आपके पास है, क्या चाहता है आज देश का मुसलमान? इस देश का मुसलमान अपने लिए अलग से कुछ नहीं चाहता है, वो कानून का राज चाहता है। हम आपसे कोई आरक्षण मांग नहीं रहे सरकार से, हम सरकार से किसी भी तरह की मुरव्वत रियायत, किसी भी तरह की आर्थिक नीति कुछ नहीं मांग रहे। इस देश में कानून का राज हो, गलत करने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके साथ समान कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी सजा उसके बच्चों को, उसके बूढ़े माँ बाप को नहीं मिलनी चाहिए। चलिए राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रविकांत जी भी हैं। रविकांत जी, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम बचा, 30 सेकंड में हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या लगता नहीं है कि ध्रुवीकरण की इस राजनीति से बड़े मुद्दे पीछे छूटते हैं, और कैसे आने वाले समय में इससे बचा जा सकता है, क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ध्रुवीकरण है इस समय, मैं रमन साहब से बहुत गुजारिश करता हूं, उनसे विनती करता हूं कि इस देश में अगर आप हिंदुओं का उत्थान करें बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन जिन हाथों में आप तलवार और स्टिक दे रहे हैं प्लीज उनके उन हाथों में आप किताबें दे दीजिए। नहीं रविकांत जी, कंक्लूजन की बात करिए, रविकांत जी आप कंक्लूजन की बात करिए, क्या होना चाहिए देश के लिए? कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कांग्रेस के नेता है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो अच्छी बात है। अगर सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टिकरण किया है तो आप हिंदुओं को तुष्टिकरण कीजिए, उनका सशक्तिकरण कीजिए, उनका उनको उनको शिक्षित कीजिए, उनको नौकरियां दीजिए, उनको भी कलेक्टर बनाइए, उनको DMSP बनाइए। आप उनके हाथ में ये तलवारें क्यों पकड़ा रहे हैं साहब, उनको हिंसा करा करके उनको अपराधी क्यों बना रहे हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, चूंकि वक्त हमारे पास इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत परेशान करती है देश की आवाम को, देश की आम जनता को, और हर कोई इससे आहत होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती, बल्कि वो समानता का अधिकार सबको दिलाना चाहती है। ध्रुवीकरण की राजनीति बाकी दल करते हैं, भाजपा एक राष्ट्र एक नेशन की बात करती है, और वो चाहती है कि समान अधिकार सबको मिले, और समानता के साथ ही हर धर्म हर जाति का व्यक्ति देश में उसको रहना चाहिए, उसको सारे नियम कायदे कानून संविधान के हिसाब से मानने चाहिए, और सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ना कि ध्रुवीकरण की राजनीति। आगे भी तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी, देखते रहिए APN न्यूज़।